हे दोस्तों, आपका एकदम स्वागत है इस चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम मिनिमम टोटल इलैप्स टाइम एंड आइडल टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपको मैं बस एक एग्जांपल रखूँगा। उस एग्जांपल में क्या है, आपके पास मे बी शायद एन डिफरेंट जॉब्स होंगे और टू मशीन के लिए ये प्रॉब्लम होगा, उस टाइप का प्रॉब्लम होगा। तो ये है आपके पास एग्जाम्पल। तो इसके अंदर हमने टोटल 6 जॉब्स है और आपके पास 2 मशीन है, ए एंड बी। मेक श्योर डैट कि आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देख रखा हो। प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे टोटल इलैप्स टाइम एंड आइडल टाइम, उस पर मैंने अच्छे से बताया था। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा देर तक एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिंपली क्वेश्चन करके बताऊँगा कि कैसे किया जाता है फटाक से या फिर जल्दी से। अगर आपको जानना है कि सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स में क्या हो रहा है, कैसे हम डील करते हैं, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, तो आप डेफिनेटली इस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो देखिए और उसके बाद थोड़े बहुत टर्म्स है नेक्स्ट वीडियो भी देख लीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत 10-10, 20-20 मिनट तक वीडियो बनाते हैं। तो ये है एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो बेसिकली आपके पास टोटल 6 जॉब्स है और ए और बी 2 मशीन है और उनके करस्पॉन्डिंग आपको प्रोसेसिंग टाइम दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका हम ऑप्टिमल सीक्वेंस फाइंड आउट करेंगे। ये हमने ऑप्टिमल सीक्वेंस निकाल रखा है। अगर आपको जानना है कि ऑप्टिमल सीक्वेंस मैंने कैसे फाइंड आउट किया है, तो इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है विद सेम एग्जांपल, तो आप जाके वो देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे बना रखा है। तो इसका मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं एग्जांपल की तरफ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे कुछ टेबल बना देना है। तो टेबल में सबसे पहला जो कॉलम है वो जॉब्स का, फिर एक मशीन M1 का लॉट बनाना, एक M2 मशीन का लॉट बनाना और लास्ट में आइडल टाइम लिखना है M2 के लिए। जो मशीन M1 का लॉट होगा उसमें आपको लिखना है इन टाइम, मतलब मशीन जो आपके पास जॉब है उसको आने के लिए कितना समय लगा वो है, एंड आउट टाइम। आउट टाइम मतलब क्या, टोटल आने का समय एंड उसको प्रोसेस करने का समय कितना लगा वो है आउट टाइम। सिमिलरली इन टाइम एंड आउट टाइम। तो बढ़ते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन, हमने इसका निकाल दिया है ऑप्टिमल सीक्वेंस और इस टेबल में हम क्या करेंगे, ऑप्टिमल सीक्वेंस को लिख देंगे उस ऑर्डर में। तो ऑप्टिमल सीक्वेंस में सबसे पहला आ रहा है J4, तो यहाँ लिख देंगे हम J4, उसके बाद लिखेंगे हम J1, J3, फिर आता है J6, फिर J5, एट दी एंड J2 हमने गाइज लिख दिया है। अब हम सबसे पहले फोकस करेंगे M1 मशीन लॉट पे, हम इस लॉट पे फोकस करेंगे। तो ये मशीन कौन सा है, M1 मशीन का है। तो इस टेबल में हमें क्या करना है, M1 मशीन इन द सेंस आप इसे कह सकते हैं ए मशीन है, मतलब मैंने M1 उसको भी कभी कभार बोलते हैं, इसको बी, कभी कभार M1 M2 भी बोल दिया जाता है, तो मैं आपको ए मशीन बोलूँगा, यहाँ पे बी मशीन है, ठीक है। सो ए मशीन में आपको देखना है क्योंकि हम ए लॉट में है सिर्फ, तो ए मशीन की तरफ देखना है, इसी प्रोसेसिंग टाइम्स में देखना है, बी की तरफ नहीं जाना है। तो पहला क्या बोल रहा है, J4 की तरफ है, तो J4 की तरफ आ जाओ और ए में देखना है। तो यहाँ पे 3 आवर्स है। तो इन टाइम बेसिकली मान लो आपने सुबह सुबह अपने शॉप पर आए और मशीन तो बंद थी, तो उसको प्रोसेस करने के लिए जो आपने समय दिया, मतलब जॉब अलॉट करने के लिए मशीन ऑन की और जो आपने जैसे आपको जॉब दिया उसको देने के लिए समय कितना लगा, हार्डली कुछ 0.3 सेकंड्स या फिर 2 सेकंड्स का फर्क लगा रहेगा, तो इसको नेग्लिजिबल माना जाता है। तो मान लेंगे कि यहाँ पे वो जो आवर्स में, तो इन टाइम कभी भी कोई भी जॉब को स्टार्टिंग में देने के लिए कितना समय लगता है, 0 लगता है, तो 0 आवर्स का मान के चलेंगे, या फिर 0 हमेशा होता ही होता है। तो J4 का जो पहला एंट्री आएगा इन टाइम वो होगा 0, ये सिर्फ स्टार्टिंग के लिए होगा क्योंकि हमारी मशीन जो है उसको हम स्टार्ट कर दिए और स्टार्ट करने के बाद J4 जॉब को हमने एग्जीक्यूट कर दिया है। अब J4 की तरफ आ जाओ, J4 में कितना है, पहला 3 है, तो इन टाइम कितना हुआ, 0 हो गया, 3 घंटे से काम करने में लगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 आवर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं J1 की तरफ। तो J1 कहाँ, ये रहा, तो पहला तो उसको 3 टाइम आने में लगा, तो इन टाइम 3 हो जाएगा, और J1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 + 3 जो कि होता है 8। अब यहाँ पे 8 एज इट इज़ आ जाएगा। J3 की तरफ जाते हैं, J3 में 6 8 6 14 लग जाए, 14 को एज इट इज़ यहाँ लिख देते हैं। सो J6 की तरफ आ गए हम, J6 की तरफ, तो J6 में यह एंट्री जो है वो 6 है, तो 14 + 6 हो जाएगा 20 20, फिर J5 में 20 एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा, और J5 की तरफ जाते हैं जो कि है 9, ये बन जाएगा 29 एज इट इज़। J2 की तरफ जाते हैं जो कि है 16, 29 और 16 9 और 6 55 मिल जाएगा 45 आवर्स, इसको अच्छे से लिख देते हैं 45 आवर्स। अब बढ़ते हैं मशीन B2 की तरफ। तो गाइस देख लो, इन टाइम जैसे ही काम चालू है, मशीन आपकी स्टार्ट हो चुकी है, तो स्टार्टिंग में कैसा लग रहा है कि इसको 0 टाइम लगा और प्रोसेस करने के लिए 3 घंटे लगे। जैसे ही J4 का काम खत्म हो जाएगा, जैसे ही मशीन अपना काम खत्म कर देगा, J4 को एग्जीक्यूट कर देगा, खत्म कर देगा, फिनिश कर देगा, तो ये जो काम है, ये जो जॉब है, 3 घंटे बाद कहाँ जाएगा, M2 मशीन के पास या फिर B मशीन के पास जाएगा, वो एग्जीक्यूट कर लेगा। तो इन टाइम उसको आने के लिए समय कितना लगा, बेसिकली जैसे ही 3 घंटे हो जाएंगे तो ये काम तुरंत ले लेगा, तो बेसिकली इसको इन टाइम कितना लगेगा, 3 घंटे लगेंगे, ठीक है। तब तक ये 3 घंटा खाली बैठा रहेगा, वेला बैठा रहेगा, इसीलिए इसका जो आइडल टाइम आएगा
वो आ जाएगा 3, क्योंकि वो 3 घंटे खाली बैठा रहा है, वेला बैठा है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, ठीक है। अब उसका आउट टाइम निकालते हैं, तो हम J4 पे है, तो J4 ये रहा, और आपको सिर्फ बी मशीन के इसमें देखना है, बी रो में देखना है और कहीं नहीं। तो J4 है तो 5 है, तो 5 + 3 गाइस हो जाएगा 8। अब देखो 8 है और यहाँ पे भी 8 है, तो जो भी इन दोनों में मैक्सिमम रहता है उसको यहाँ लिखते हैं। और ये मैंने कैसे बताया, आप प्रीवियस वीडियो देख लो, उसमें एग्जांपल में मैंने अच्छे से आपको समझा रखा है। तो 8 आ जाएगा, तो 8 के बाद नेक्स्ट जो है J1 है, सो J1 के लिए 8 है, तो 8 8 हो जाएगा 16। इन दोनों में जो बड़ा है वो आ गया 16, बड़ा दिख रहा है वो, जो कि हम चाहे J3 की तरफ, J3 में 16 ऐड करना है, तो 11 + 16 होता है गाइस 27। अगेन इन दोनों में जो बड़ा है वो आ जाएगा 27, तो 27। और हम जो है आ गए हैं अभी J6 की तरफ, तो J6 ये रहा, इसमें हमें ऐड करना है 14 में 27 ऐड करना है। जैसे हम 14 में 27 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 41 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 41, क्योंकि इन दोनों में बड़ा जो है वो 41 है, तो 41 हमने यहाँ लिख दिया, क्योंकि इन दोनों में बड़ा जो है वो है 41 हमने लिख दिया। तो ये क्यों कर रहा हूँ, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने। सो 41 आ गया, तो हम कौन से मशीन में है, जॉब में, J5 जॉब में, तो यहाँ पे 7.5 है। जैसे हम 41 में 7.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 48.5, इन दोनों में बड़ा अगेन 48.5 है, 48.5 लास्ट जॉब जो कि हमारा J2 एग्जीक्यूट करना है, तो इसमें 7 है, 48 और 7 हो जाएगा 55.5। चलो इसका आइडियल टाइम फाइंड करते हैं, तो बेसिकली ये हमारा हो गया टोटल इलैप्स टाइम, मिनिमम टोटल इलैप्स टाइम, ठीक है। तो ये 3 है, हम लोग आइडियल टाइम कैसे निकालते हैं, 8 - 8 0, 16 - 16 0, 27 - 27 0, 41 - 41 0, this - this 0। बेसिकली आइडियल टाइम जो होगा इनको ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 3। बट ये आइडियल टाइम कौन से मशीन के लिए, M2 के लिए, बट M2 कौन था मशीन, हमारा B था। तो यहाँ से हम कंक्लूजन दे सकते हैं जो जो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं मिनिमम टोटल इलैप्स्ड टाइम, गाइस वो कितना आ गया है, वो आ गया है हमारा 55.5। टोटल काम इतने घंटों में ख़त्म हो जाएगा, बट जो मशीन ए है वो 45 मिनट में काम कर रही है, इसका मतलब क्या, 55 घंटे तो इसको 55.5 घंटे तो इसको लगे और 45 घंटे इसको लगे, तो कहीं ना कहीं मशीन जो ए है इस घंटे बाद वो खाली बैठ गया, वेला हो गया। तो आइडियल टाइम हम निकाल सकते हैं, सो आइडियल टाइम फॉर मशीन ए वो आ जाएगा गाइस 55.5 - 45, तो ये आपको बेसिकली मिल जाएगा 10.5 आवर्स। अब हम फाइंड करते हैं आइडियल टाइम फॉर मशीन बी, तो वो कितना है गाइस, वो है 3 आवर्स, तो यहाँ पे हमें मिल गया 3 आवर्स। तो हमने तीनों क्वेश्चन यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, हमें जितना भी कुछ कहा था क्वेश्चन में, हमें फाइंड आउट करना था टोटल इलैप्स टाइम एंड आइडियल टाइम फॉर द मशीन ए एंड बी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो। अगर वीडियो नहीं भी पसंद आया हो ना तो डिसलाइक करो और रीज़न बताओ कि गाइस इस कारण से हमें समझ में नहीं आया। अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत अगर थोड़ा समझ में नहीं भी आया हो ना, तो डेफिनेटली आप क्या काम करो कि आप मेरा इसका जस्ट प्रीवियस एक एग्जांपल देख लो, वीडियो देख लो। उस वीडियो में मैंने क्या बताया कि इस टाइप का एग्जांपल है, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सिर्फ मैंने प्रैक्टिस के लिए बताया था, अगर वो वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया तो इसी वीडियो को तब देखो, अपने प्रैक्टिस के लिए रखो, ठीक है गाइस। आई होप यू एंजॉयड इट।